और एके मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल और सबसे अहम सवाल, साथियों के सुर बदल रहे हैं, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है या फिर दरार पड़ी, और दरार पड़ चुकी है तो दरार धीरे धीरे चौड़ी हो रही है। ठीक है, एनडीए की बात यहां पर हो रही है, क्या दरार वाकई यहां पर पड़ रही है जिस तरीके से शिवसेना खींच रही है और पहले भी खींचती रही है? अभितोष देखिए, आपका क्वेश्चन बड़ा जेन्यून है और मल्टी लेयर ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन है। देखिए प्राइमा फेसिस, छोटा रिएक्शन पहले दीजिएगा, प्राइमा फेसिस लगता है कि सब लोगों को लगता है कि ये दरार है, लेकिन ये दरार नहीं है। उसके पीछे रीजन है, इनकी आइडियोलॉजी बहुत गजब की है, दोनों की आइडियोलॉजी एक ही है, शिवसेना और उसकी। ये इनकी एक रणनीति है कि अभी माहौल को गर्म किया जाए, टेस्ट किया जाए कि एनवायरनमेंट क्या है। अगर राम मंदिर बनाना होता तो 4-6-10 लाख लोगों को ये हल्ला बोलते, जाके केवल दर्शन थोड़ी करके आते, केवल मुद्दे को गर्म कर रहे हैं। कोई दरार नहीं पड़ी है, जब जरूरत होगा ये सारे के सारे एक है। ये ऐसे है कि जैसे मित्र सेनाएं जब लड़ती थी, कोई किसी मोर्चे पे, कोई किसी मोर्चे पे। बीजेपी की एक स्ट्रेटजी है जो है, यानी कि हम आपस में कुछ या आपस में एक दूसरे को कुछ नहीं कर, फाइनल वॉर जब होगा तब ये सेम होंगे। उसके पीछे रीजन है, जो आइडियोलॉजी बीजेपी की है, आरएसएस की है, वही शिवसेना की है। जब आपकी आइडियोलॉजी सेम है तो आप किस मुद्दे पे अलग होंगे, वो होंगे ही नहीं। दूसरी चीज आप ये देखिए, अगर आप टेस्ट नहीं, आइडियोलॉजी सेम है लेकिन जिस आइडिया से काम यहाँ पर बीजेपी कर रही है, शिवसेना वो अलग चल रही है, शिवसेना उस तरीके से काम ही नहीं कर रही है। सर एक टर्म होता है, इल्यूजन होता है, कैमोफ्लॉग होता है, मतलब एक भ्रम पैदा करना। देखिए है क्या, कई बार बीजेपी के जो छोटे मोटे नेता हैं, बी ग्रेड के, बी लेयर के नेता हैं, वो ऐसी जो है स्टेटमेंट दे देते हैं। भ्रम किसको, भ्रम किसके लिए यहाँ, भ्रम विपक्षियों के लिए है, भ्रम जनता के लिए है, लिंगागम करना, जनता को एंगेज करके रखना। देखिए अभी बीजेपी क्यों नहीं बोल रही है कुछ, ये मुद्दा तो मोदी भी जा सकते हैं ना वहां पे 4 लाख लोगों को लेकर के कि भाई बनाओ बनाओ बनाओ। तो चुनाव प्रचार आज शाम तक वो कर रहे हैं। यही है कि वोटर्स को एंगेज कैसे करके रखा जाए और इसका पूरा बेनिफिट कैसे लिया जाए। राम मंदिर 5 साल हो गए सर, 25 साल से बीजेपी ये मुद्दा उठा रही है। अभी हमारे सर ने जो बोला कि भाई इसमें न्याय, मैं सारी बात करता हूँ, न्यायपालिका, विधायिका वगैरह सबकी एग्जाम्पल देता हूँ। SC ST एक्ट का जब करना था, सुप्रीम कोर्ट का नियम इन्होंने 1 मिनट में बदल दिया, 10 मिनट नहीं लगे। शशिकला को जेल जानी थी, करना था तो रात को 12 बजे सारे सिस्टम जो है एक्टिव हो गए। कर्नाटक इलेक्शन का जब सुनवाई होनी थी तब जाकर के रात को 12 बजे चीफ जस्टिस के यहाँ बेंच बैठती है। इतने सालों से, मतलब सैकड़ों सालों से राम मंदिर मुद्दा जो उलझा है, इसके लिए तो वो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने की भाई दबाव वहां से कर रहा है। ठीक है, बात कर रहा हूं सर, देखिए ये प्योर पॉलिटिक्स है। देखा जाए सारी पॉलिटिकल पार्टियां, उनका सबसे पहला लक्ष्य होता है चुनाव जीतना, वो उसके लिए हर मुद्दे को इनकैश करती हैं। पवन शर्मा की राम मंदिर बने, पवन शर्मा मिश्रा जी की बातों से तब वो करेंगे, मिश्रा जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं। देखिए मिश्रा जी जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये अपने हिसाब से जो भी परिपक्ष देखते हैं उनके हिसाब से बात करते होंगे। रही बात, आप अपनी बात रख चुके हैं ना, उनकी बात सुनिए। आप अगर मानिए, मैं वही कह रहा हूँ, अगर शिवसेना यहाँ आती है वो अयोध्या ही जाती है। अयोध्या क्यों जाती है, वो अगर उनको काम करना था, अगर उनको कोई विरोध प्रदर्शन करना था, विरोध दर्ज करना था, वो संसद का घेराव करते। सबसे पहले अगर प्रेशर बनाना था वो सत्ता से बाहर आते, अपने सांसदों को, अपने जो इनके मिनिस्टर हैं उनको अपना त्याग पत्र दिलाते। और ये अगर कुछ नहीं है, आप देखिए, अच्छा अभी हमारे भाई प्रिंसिपल द्वारा तो सेम है, अलग होने का तो सवाल ही नहीं उठता है ना, यही चीज तो मैंने भी बोली है। ठीक है भाई, अगर आप अलग हो, शिवसेना बीजेपी अलग है, तो मैं मानूंगा आप अपने प्रिंसिपल अलग नहीं है, करिए अलग नहीं है। मिश्रा जी अलग किसने कहा, अलग नहीं कह रहे, दरार का मतलब अलग होना नहीं है। देखिए अलग होने की बात, आप इसको दरार भी, अगर ये दरार है तो आप अपने प्रिंसिपल को अलग करिए, रिजाइन। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं कि दरार है, डिक्लेयर करिए कि हम बीजेपी से, सवाल ये नहीं है कि दरार है, क्यों करें, सवाल ये नहीं है कि दरार है, तो क्यों करें, तो फिर तो नहीं, फिर दरार की बात क्यों उठ रही है। मैं दरार की ही बात करता हूँ, राष्ट्रीय और हिंदू दिखावे की दरार है, इसलिए हम अलग हो ही नहीं सकते, ये दिखावे की दरार है। देखिए अब इन्होंने माना कि नहीं, जो मैंने बोला कि ये अलग है ही नहीं, ये शिवसेना, ये शिवसेना भी तो माने ना, ये शिवसेना भी तो माने, शिवसेना क्यों वहां पर पहुंच रही, शिवसेना कह रही है कि बार बार राम मंदिर का मुद्दा गरमाता है हर वक्त चुनाव के वक्त, अब हम चाहते हैं कि ये अब राम मंदिर बन जाए,
शिवसेना खुद को अलग मान रही है, अलग कर भी नहीं रही है, अलग मान रही है, यही दरार के मायने होते हैं सर, यही मतलब होते हैं, इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या क्वेश्चन मार्क के साथ क्या दरार पड़ रहा है वहां पर। वो तो बीजेपी भी बोलती है कि भाई मंदिर बनना चाहिए, आइडियोलॉजी को ठीक है, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन अलग हो सकता है। प्रदीप भटनागर बात कर लीजिए, प्रदीप भटनागर, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि कांग्रेस को चाहिए, अगर कांग्रेस को ज्यादा राम मंदिर की इतनी चिंता लग रही है, कांग्रेस क्यों नहीं आती साथ में, कांग्रेस क्यों नहीं सभा रैली करती अयोध्या के अंदर जाके, कांग्रेस के भी तो राम है, अगर वो राम समझते हैं नहीं, अगर राम के, अगर आप इस विजय को लेकर जा रहे हो, प्रदीप भटनागर, प्रदीप भटनागर, प्रदीप भटनागर, आप बनाना चाहते हो राम मंदिर, प्रदीप भटनागर जी, प्रदीप भटनागर जी, अच्छा ये चीज बताइए, ठीक है आपने कांग्रेस पर निशाना साध दिया, ये बताइए कि साधु संत वहां पर पहुंचे हुए हैं, शिवसेना वहां पर पहुंची है, दबाव में तो आप हैं, संतों की नगरी है, कांग्रेस कह रही है कि दबाव खुद ब खुद बन रहा है, हम दबाव क्यों डालें, संतों की नगरी है और विष्णु परिषद ने इतना अच्छा बड़ा कार्यक्रम रखा है, संतों की नगरी इसलिए नहीं वहां पर इकट्ठा हो रहा है, अगर इकट्ठे हुए नगरी में राम मंदिर भाई, अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट तक या सरकार तक पहुंचाने में काहे की बुराई है, सुप्रीम कोर्ट को भी तो लगना चाहिए कि लाखों विष्णु परिषद के हिंदू अगर वहां पहुंचे हैं एक आवाज उठाने के लिए सुने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बन रहा है, कैसे कहते दबाव बन रहा है, अपनी बात रखी नहीं, आपने बोला ना, आपने बोला, आपने बोला दबाव नहीं बनता, दबाव सत्ता पक्ष बना रही है, देखिए भावनाओं को देखकर अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने लगे, सर मिश्रा जी आप राजनीतिक विश्लेषक है, एक पार्टी के प्रवक्ता की तरह नहीं बात करें, मेरा भाई साहब इसकी मनाही है, न्यूट्रल रह के बात नहीं, इसकी मनाही है, इसकी इन्हें मनाही है, इसकी इन्हें मनाही है, ये राजनीतिक प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ प्रवक्ता की तरह उमानंद जी, आप वहां पे पार्टी का नाम लिखवा नहीं, ठीक है उमानंद जी, उमानंद जी अपनी बात रखिए, मेरा निवेदन ये है, अभी भाई साहब ने कहा था कि वो आपने वहाँ SC ST एक्ट पे तुरंत आप अध्यादेश ले, कानून बना लिया, ये सब जुडिस है, लिटिगेशन का मामला फंसा होगा इसके ऊपर, क्योंकि SC ST एक्ट वो डिक्लेयर हो चुका, कोर्ट अपना निर्णय दे चुकी थी, अच्छा जलीकुट्टू में भी निर्णय आ चुका था, आपका जो नहीं चलिए पुराने निर्णयों पे बात नहीं, मेरा वो चीज नहीं आ सकता था, ये कोर्ट में अभी ये पेंडिंग है, इसमें अध्यादेश आएगा तो तुरंत इसको चैलेंज होगा, हमारी विश्वहिंदू परिषद की मांग ये है कि आप इसका सामूहिक सत्र बुलाएं, सत्र बुला के कानून को पास कराएं और महामहिम के इस पे हस्ताक्षर हो, तब होगा, अगर आप बात बंद कर दे, बात बंद कर, एक मिनट रुकिए, एक अध्यादेश अलग है, कानून बनाकर पास कराना, उमानंद कौशिक जी, उमानंद कौशिक जी कानून को थोड़ा समझ लेना चाहिए, आप ये गुजारिश कर रहे हैं या सरकार से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव क्या होता है, हमारी डिमांड है और दबाव, अगर दबाव मांगे तो 5 लाख की संख्या यहाँ थी और 10 लाख की संख्या 9 तारीख को, नहीं तो डिमांड मानी जाएगी, ये उम्मीद है, ये उम्मीद मानी चाहिए, ये पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट है और ये सरकार को मानना चाहिए और माना भी जाएगा, अभी तो सरकार को मानना चाहिए, देखिए अलग बात हो गई, और माना भी जाएगा, प्रदीप भटनागर, प्रदीप भटनागर, अभी तो सरकार की उससे कोई आश्वासन आ रहा हूं, प्रदीप जी तो मैं मेरे मित्र प्रदीप जी तो आप ऐसे ना चील के कौवे में मीट ढूंढ रहे हैं, पर कांग्रेस से क्या अपेक्षा रखते हैं, आप तो बाबर के पूजने वाले, बीजेपी को बोलने ही दे रहे हैं, उनका पक्ष तो रखने दीजिए, उनका पक्ष तो रखने दीजिए, प्रदीप भटनागर बोलने ही नहीं दे रहे हैं, प्रदीप भटनागर को, प्रदीप जी अगर ये कौन है, कौन अरे आप बीएसपी का भी पक्ष रख दे रहे हैं, आप बीजेपी का भी पक्ष रख दे रहे हैं, प्रदीप जी हम कौन बोला, हम काम का, प्रदीप जी आप पवन जी से पूछे, प्रदीप जी पवन जी से आप पूछे, ये राम मंदिर के साथ में है कि नहीं, नहीं तो अगर बीएसपी अगर बीजेपी को सवाल समझाएगी तो बीजेपी अपना पक्ष कैसे रखेगी, वहाँ पे कानून बनाया जाता है तो क्या अपने आकाओं से पूछे कि हम उनपे साथ देंगे क्या, नहीं, नहीं। अगर वहाँ रामलीला रामलला के मंदिर के भव्य निर्माण के लिए सवाल सवाल है, बीजेपी को कैसे साथ देंगे क्या, पूछो नहीं पेट में से आवाज नहीं निकलेगी, उमानंद कौशिक जी, उमानंद कौशिक जी सवाल बीजेपी को मत समझाइए ना, प्रदीप भटनागर, प्रदीप भटनागर आप जवाब तो दीजिए, आप दबाव में है बीएचपी के, आप दबाव में है, यानी बीएचपी जो चाहेगी आप करेंगे, देखिए यही स्टूडियो में दिख रहा है आप दबाव में है, बीजेपी बोली नहीं रही है, देखिए बीएचपी दबा ले गई, वो सवाल समझा रही है आपको, विश्व हिंदू परिषद अगर इतनी बड़ी सभा और रैली अगर अयोध्या में करी है और ये 9 तारीख को फिर रामलीला मैदान में, तो ये गुजारिश के लिए कर रहे हैं ना, ये गुजारिश के लिए अपनी डिमांड रख रहे हैं ना, दबाव थोड़ी बनाएंगे आप, या दबाव है, अगर सरकार को कानून बनाने की जरूरत पड़ी कानून बना के अध्यादेश लाएंगे, क्या दिक्कत है, मगर कांग्रेस का वहां असली चेहरा सामने आएगा जब ये चीजें संसद में आएगी, क्यों ये लोग दो मुखी सांप हैं,
ये कहते हैं आप लाइए ना, बता रहा हूं मैं ये दोनों की, अरे सर एक बात बताओ, अब शब्दों की गरिमा बनाए रखिए, विषय लिया ही है चुनाव में, आप लाए शब्दों की गरिमा बनाए रखें, मिश्रा जी आएगा आपका नंबर आएगा, अभी आपसे सब मैं ओवरऑल सब पूछूंगा। अगर सरकार को ये चीज दिखाई जा रही है, क्या कांग्रेस को नहीं दिखता कि आज हिंदू लाखों की संख्या में अयोध्या जी में या दिल्ली में जुटने जा रहा है, कि समर्थन करना चाहिए? ये सरकार तुम तो इंसान हो, तुम तो हिंदू हो, तुम हिंदू नहीं हो, राम तुम्हारे नहीं है, राम तुम्हारे बलवान है, राम तुम्हारे पवन जी, पवन जी, राम तुम्हारे नहीं है, पवन जी ऐसा है ना, तुम हिंदू नहीं हो, तुम राम तुम्हारे नहीं है, ये तो बता दो। अगर विशाल का सर, आप विशाल कार्यक्रम कर रहे हैं, विमुख हो रहे हैं, आई की बुराई है, आपकी जिम्मेदारी भाजपा की जिम्मेदारी है, भाई जान शासन भाजपा का है, जनता सवाल भाजपा से पूछ रही है, और भाजपा से क्या कांग्रेस में डाल देती है, सत्ता में हो तो कांग्रेस और ना हो तो भी कांग्रेस। प्रदीप भटनागर जी, प्रदीप भटनागर जी तो छोड़ दीजिए, राजगद्दी देखिए, वाजिब सा सवाल है, ये वाजिब सा सवाल है, यहाँ पे जिम्मेदारी तो ज्यादा सरकार की बनेगी ना सरकार, ये मिश्रा जी, मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक है आप, ये ध्यान रखिएगा, कहीं पीछे नहीं है। हाँ, सरकार की क्या क्या रुकावटें सबको पता है, अभी सत्र आ रहा है, देखिए अभी क्या होता है, पूरा कानून बनाया जाएगा और पूरी कोशिश रहेगी पास कराने की, मगर ये जो अड़ंगी देने वाले लोग है ना, जो आधे हिंदू या अपने आप को आधे हिंदू या आधे मुस्लिम समझते हैं, अड़ंगी कौन दे रहा है, अड़ंगी कौन दे रहा है यहाँ पर। अच्छा, उमा भारती के बयान पे बात कर ले, वो क्या कह रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप पेटेंट नहीं है बीजेपी का, ये पेटेंट नहीं है राम मंदिर का मुद्दा, बीएसपी भी सामने आया, एसपी भी सामने आए, सब लोग सामने आए, इसके क्या मायने निकाले, बीजेपी जो है, देखिए बीजेपी भगवान किसी अकेले के तो नहीं है, लेकिन कोई माने तो पेटेंट उन्होंने कांग्रेस नहीं मानती, वो भगवान है, वो तो वो तो उनको वो आपका सोच रहे हैं, उनकी तो सत्ता को ही नकार दिया, एक बात सुन लीजिए, माननीय उच्चतम न्यायालय में हलफनामा, मैंने एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लो, किसने एक बात सुन लो, काल्पनिक है, कपोल कल्पित है, ये हलफनामा आपके रिजिम में किसने दिया था, उच्चतम न्यायालय में, फिर अगले दिन पलट क्यों गए, जब सब सेतु समुद्रम की बात आई थी, वो कह रहे कुछ होता ही नहीं है, इस बात को मान लिया ना कि जो गलती करी थी किसी मिनिस्टर ने, नहीं दिया गया। आपको दिखा कि थूक के चाटा है ना, थूक के चाटने वाली बात नहीं, नहीं ना उनके चाट भी लिया था, कोई बात नहीं, शब्दों की गरिमा बनाए रखिए, इसका मतलब शब्दों की गरिमा नहीं दिखा ना, नहीं उसका परिणाम क्या हुआ, बनाए रखिए प्लीज, आप दोनों ही लोगों से गुजारिश है, और आप बात आगे बढ़ाइएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और गुजारिश ब्रेक के बाद वापस आए ना, तो शब्दों की गरिमा कृपया करके बनाए रखिएगा, और निजी हमले करने से बचिएगा, ये बात यहाँ पार्टियों की हो रही है, ना कि निजी तौर पर किसी का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। एके मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो मौजूद हैं। एके मिश्रा जी, बहुत संक्षिप्त उत्तर दीजिएगा, क्या एनडीए में वाकई दरार की स्थिति इस वक्त लग रही है, या फिर पर्दे के पीछे का खेल कुछ और चल रहा है?
जो आपने दूसरा स्टेटमेंट बोला ना, मैं देखिए प्राइमा फेसी ये एक दरार वाला इल्यूजन है, मतलब ये भ्रम है, ये मायोपिया क्रिएट किया जा रहा है और स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए क्रिएट किया जा रहा है बीजेपी प्लस, यानी बीजेपी और उनकी जो पूरी टीम है, चाहे वो मतलब उनकी आइडियोलॉजी से मिलते जुलते जितनी पार्टियां हैं। मैं बोलता हूं आप देखिए इसके पीछे फैक्ट है और इतना स्ट्रेटेजिक वे में ये गेम चल रहे हैं। उमा भारती ने अभी बोला कि समाजवादी पार्टी वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो भी हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है। आप बोलेंगे कि उमा भारती क्यों ऐसा बोल रही है बीजेपी के खिलाफ, देखिए एक होता है एक्सपोज करना, बीजेपी इतने जल्दी से जो है रिजल्ट नहीं देती है, उसके पहले ये इनकी रणनीति है कि उमा भारती को आगे करके सारे पार्टियों को चैलेंज करो। अब सारी पार्टियां हां करेंगी या ना करेंगी, हां करेंगी तो भी बीजेपी का काम होगा और ना करेंगी तो एक्सपोज होंगी। नहीं, गलत नहीं बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, उसको आपकी रणनीति है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ ये सही है या गलत है। नहीं, मैं तो पढ़ने के पीछे का गेम बता रहा हूँ सर। उमा भारती, उमा भारती आप क्या कर रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। आप स्ट्रेटजी सर पढ़ते हो सर, पढ़ने के पीछे आप उमा भारती वो बता रहा हूँ सर, पर्दे के सर, पर्दे के पीछे आपकी चीजें सामने आई तो आप नाराज हो रहे हैं। फ्रंट में है बिल्कुल कोई पर्दे के पीछे। सर मुझे एक चीज बता दीजिए, बीजेपी एक चीज मुझे बताइए सर, नहीं आपकी मिश्रा जी, मिश्रा जी नहीं, आप मुझे एक टाइम नहीं, मिश्रा जी, मिश्रा जी एक है मिश्रा, एक है मिश्रा, एक है मिश्रा, सवाल वाले मोड में बताइए ना, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हैं, आप विश्लेषक, आप विश्लेषणात्मक ये चीजें बताइए ना कि क्या दरार पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, नहीं ये रणनीति है ना, ये रणनीति है, ये आप कह रहे हैं ठीक है, ठीक है, प्रदीप भटनागर ठीक है, नहीं नहीं प्रदीप भटनागर ठीक है, कोई बात नहीं। अरे के मिश्रा जी, के मिश्रा जी पुरानी बातों मत उखाड़िए ना, मौजूदा वक्त में नहीं, एग्जांपल मत दीजिए, मौजूदा वक्त में राम मंदिर के मसले बात कर रहे हैं ना, शिवसेना क्यों महाराष्ट्र से निकल कर आई, ठीक है ठीक है फिर ठीक है, आप विश्लेषण, आप विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, आप मौजूदा परिस्थिति विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अयोध्या जी को लेके हाँ, अगर हिंदू आक्रमक होता और अगर हिंदुओं की नीयत सही होती तो अब तो आक्रामक है हिंदू, अब तो एक अब तो हिंदू आक्रामक है और नियत का क्या हवाला दिया जा रहा है, अगर हिंदू सही है अभी तो जी, अभी तो जी ठीक है ठीक है ठीक है। उमानंद कौशिक, उमानंद कौशिक आइए सर, करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा फैक्ट बता रहा हूँ, आप कहते हैं हिंदू आक्रामक, कैसे 5 लाख लोगों की संख्या, 4 लाख मान लो, 4 लाख लोगों की संख्या अयोध्या में पहुंची, अगर हिंदू आक्रामक होता तो क्या होता, अगर यही संख्या एक जाति विशेष की वहां पे होती तो क्या होता, आपको सबको पता है 20-25 हजार लोग अब बॉम्बे में शिवाजी स्टेडियम में रहे थे, क्या हाल किया उन्होंने, एक एक अपने जो जो अपने वहां पे पूर्वजों की उनकी मान बिंदुओं की जो प्रतिमाएं लगी तोड़ दिया, रास्ते खराब, आपका टेम्पू ट्रैवलर वालों को, ऑटो वालों को कितना परेशान होना पड़ा, यहाँ एक छोटी सी घटना तो बता दो किसी को, तू भी बोला गए आप तो, आपके तो वहां पे कैमरा लेके पहुंचे, घटना की बात ही नहीं कर रहा, कभी ना आक्रामक है, एक सियासी दांव यहां पर जो चल रहा है उसकी बात कर रहा है। दूसरी चीज आपके उसमें दिखाया जाता है कि एक मैं छोटा सा रामचरितमानस का रामायण का एक आपको दृष्टांत देता हूँ, जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया बहुत जल्दी जल्दी सर, तो उसमें ये कहा गया था भगवान को माना, उनसे निवेदन भी किया था, भगवान ने निवेदन किया था, जबकि वो पता कि वो अखिल ब्रह्मांड के नायक है, वो कुछ भी कर सकते थे, और उन्होंने निवेदन किया समुद्र से, जब रास्ता नहीं दिया तब कहा था कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीत, ये हम तो निवेदन कर रहे हैं सरकारों से, आपसे भी किया 70 सालों तक, और अभी बीजेपी से भी कर रहे हैं निवेदन कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, इसका रास्ता प्रशस्त करो, अन्यथा ये भीड़ जो है इसको देखो इनका, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सरकार अगर मान लीजिए आपकी बात नहीं मान रही, वो दबाव में नहीं आ रही, ठीक है, और कितने कितने साल तक आप निवेदन कर रहे हैं, मिश्रा जी, मिश्रा जी मैं सवाल आप ये भी निवेदन बता दीजिए सर, मेरा सवाल आप छीन, वही सवाल मैं पूछ रहा हूं, वही सवाल पूछ रहा हूं, आप विश्लेषण करें, आप पार्टी ना बने सर, मैं कौन सी पार्टी बन रहा हूं, आप ना मेरा सवाल छीन, मैं यही सवाल पूछ रहा हूं कि कितने सेंचुरी तक निवेदन अभी चलता रहेगा, सारी पार्टियां बता, एक मिनट एक मिनट, एक मिश्रा एक मुकाम पे तो पहुंचाइए, ठीक है, उमानंद कौशिक जी, उमानंद कौशिक जी एक सवाल और है, अंदर इतना पेशेंस है हम झेल सकते हैं अभी, लेकिन जब दिखेगा वो पता लग जाएगा, देखिए उमानंद कौशिक जी एक सवाल ये और है, जैसे सरकार मान लीजिए आपके दबाव नहीं आई, आपकी रणनीति आप जिस तरीके से गुजारिश कर रहे हैं वो बात नहीं मानी गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लीजिए कि आपके हक में ना आए, आप नहीं जैसा चाहते हैं वैसा नहीं आया फैसला, फिर अगला कदम
अगला कदम सिर्फ भावनाओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करता, ये तो आपको ही पता है। हाँ। यहाँ जितने मेहमान पता बैठे हैं सभी को ये मालूम, सुप्रीम कोर्ट दबाव में करता है। रात को 2 बजे खुलता है, जो मैंने बोला था वही बोल रहे हैं, दबाव में खुलता है। वही क्वेश्चन मैंने पूछा था, आप अगेंस्ट हो गए थे सर। हमारे आपकी दूरी ना, किसी को जेल भेजना था तो 12 बजे रात को हुआ। उनकी बात हमारे आपकी दूरी ना बहुत कम है, इसलिए सुनती है, आवाज बढ़िया सुनती है, जोर से बोलने से नहीं होता। लेकिन रात को 2 बजे खुलता है, खुलता किन के लिए? आतंकवादियों के लिए। रात को 2 बजे खुलता है, खुलता किन के लिए? कि शशिकला को, और उनको वो तय करना कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। रात के खुलता है, महाभियोग आता है कि कर्नाटक में नहीं, कर्नाटक में नहीं आया महाभियोग, महाभियोग आया था अलग से, कि जब वो 4 जस्टिस ने बैठ के चार जस्टिस वो किया था। ये भी इतिहास में पहली बार हुआ था, ये दबाव में आता है। लेकिन हम बहुत नहीं, तो आप भी ऐसा ही दबाव चाह रहे हैं? नहीं, हम बहुत मर्यादा में रहने वाले लोग हैं, हम माननीय उच्चतम न्यायालय को दबाव में नहीं लेना चाहते। लेकिन ये भी दिखाना चाहते हैं कि देखो कितने लोगों का ये पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, उनको दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखता तो फिर कितने सालों से, यानी कि कोर्ट यहाँ पर फैसला करे तो वो भावनाएं भी देखे, वो दबाव भी माने। भावना देखे, दबाव नहीं मानना चाहिए। ठीक है, पवन शर्मा देखिए, कहीं कुछ नहीं है बेसिकली। अगर देखिए आज अगर इनको मंदिर ही बनाना था, मंदिर के लिए कोई बात ही करनी थी। आज 8 साल हाईकोर्ट का रिजल्ट डिसीजन आए हुए हो गया, इनकी जैसी सरकार बनी ये उसके ऊपर अमली जमा पहनाते, कुछ आगे बढ़ते, कुछ बातें करते। इन्होंने 4.5 साल तक कुछ नहीं किया, 4.5 साल तक पब्लिक के कोई काम नहीं किया। आज जब इनको पता लग गया, जब जनता इनसे पूछने लगी, जनता के पास जाने का ये किस मुंह से जाएंगे, ये क्योंकि ये जो बताया गया है इन लोगों को, ये आए इसी मुद्दे पे थे। आज अगर देखिए, आज इनके स्वामी जो मौर्या जी, वो बोलते हैं कि नहीं राम मंदिर तो हमारा कभी मुद्दा रहा ही नहीं, भाजपा का कभी मुद्दा था ही नहीं। दूसरी तरफ आप राजनाथ जी कहते हैं कि नहीं, कोई कानून के द्वारा कोई काम नहीं होगा, हम लोग कानून लेके नहीं आएंगे। अरे भाई, कुछ तो बताओ, आप करेंगे क्या? आप आए हैं, आप किन मुद्दों के लिए लेके आए हैं? कम से कम वो मुद्दे ही गिना दो। आपने किया क्या है आज? ना आपने युवाओं को रोजगार दिया, ना आपने कहीं कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, ना आपने किसानों को MSP जो बात कही थी वो करी। आपने सिर्फ क्या किया, आपने नई नई स्कीम लाए, आप इंश्योरेंस स्कीम लेके आए, जिसमें आपने अपने जो भी जोड़ीदार लोग हैं, जो सो कॉल्ड जो व्यापारी है, उनको आपने फायदा पहुंचाया। आज किसान के हाथ क्या लगा? किसान भी रो रहा है, आप जनता बेरोजगार है। जो किसान तो आपके समय भी रो रही थी, आज वो किसान तो आपके समय भी रो रही थी, जो सब बाग दिखाए थे वही चीज आपसे जनता पूछ रही है। किसान आपके समय, मिश्रा जी एक मिनट, ये रिफॉर्म है, रिफॉर्म है ये इंश्योरेंस लेके आना, ये 50 करोड़ 10 करोड़ लोगों को वो देना, और एक पैसा नहीं लेना सर, एक पैसा नहीं लेना। दूसरी चीज, उमानंदन जी आप BSP से हैं, BSP से बैठे हैं यहाँ पर, बीजेपी को जवाब देने वाला था प्रदीप जी, जवाब दे प्रदीप जी की बात है, मुझे बोलना पड़ेगा। आपको सरकार का पूरा भरोसा है प्रदीप जी की भाषा, मुझे बोलनी पड़ेगा किसी भी तरीके से। प्रदीप भटनागर जी आ रहा हूँ, मिश्रा जी आ रहा हूँ, एक मिनट प्रदीप भटनागर जी अपनी बात पूरी कीजिए, आता हूँ मैं। ये जो आज बेरोजगार की बात कर रहे हैं, इन्होंने कितना रोजगार दिया, हम लोगों ने आज खुद स्वयं लोगों को इसलिए खड़ा कर दिया, आप खुद रोजगार करिए, लोन लीजिए, रोजगार कीजिए। आइए, जो बीमा योजना जिन्होंने आज तक नहीं चलाई, आज गरीब देखिए, आज 5 लाख का बीमा सबको मिलेगा। ये इनको ही पता है कि ऑनलाइन सारे लोग कर रहे हैं, ये जिन पुराने मुद्दों पर चल रहे ना ये, क्योंकि इनकी चल तो रही नहीं कहीं भी, कांग्रेस खत्म हो गई। तो ये जो योजना आप लेकर आए, इन मुद्दों को लेकर आए, राम मंदिर तो बहुत पुराना मुद्दा है, ये तो राम मंदिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात ही नहीं हो रही है। देखिए मैं आपको बताऊं, असल मुद्दे की बात कीजिए ना, राम मंदिर को ये मुद्दा 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 कहते हैं ना, देखिए हम बड़े हिंदुओं को चुभती है, बहुत चुभती चीजें आप कहते देते हो वो बैठ के, कि राम मंदिर एक मुद्दा है। क्या राम मंदिर एक आस्था नहीं है? हम कह नहीं रहे सर, मुद्दा बन रहा है, शिवसेना कह रहा हूं, मुद्दा शिवसेना यहां पर आकर कह रही है, शिवसेना यहां पर आकर कह रही है, हम थोड़ा मुद्दा बना रहे हैं, हम थोड़ी मुद्दा बना रहे हैं। इतने लंबे टाइम से अगर न्यायालय में चल रहा है, इस प्रतिक्रिया को चलने में अगर कोई सरकार नहीं चाहती कि हम गलत करें न्यायालय के हिसाब से, क्यों? देश में हमारा देश सर्वधर्म देश है, हर जाति हर धर्म का लोग रहता है, जो सरकार आगे बैठे सबका ध्यान सब चीजों को रखती है, वो किसी की आस्था को ठेस नहीं। लेकिन जब सरकार में नहीं रहता तो कहते हैं हम जरूर मंदिर बनवाएंगे, तब हम जबरदस्ती बनाएंगे, हम आते ही बनाएंगे, हम अध्यादेश लाके बनाएंगे, तब ये बोलेंगे। अरे सर मिश्रा जी सुनिए ना, अगर यहाँ भी अगर गर्ल कंट्री वाला होता सर, 5 साल से तो सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, और समझिए इंतजार कीजिए ना, इतना किया है आपने तो, कितना टाइम, लंबे टाइम से दुनिया इंतजार कर रही है। 25 साल से तो मैं कर रहा हूँ, सारी पार्टियों का यही है ना,
25 साल से जाएगा और कुछ दिन की बात है आप, देखते तो सर, आप टाइम नहीं बचा रहे हो, यही मैंने आपसे पूछा। टाइम तो कांग्रेस भी बचा सकती है। प्रदीप भटनागर, आपकी बातों कम से कम ये फायदा हुआ, एके मिश्रा साहब ये कह रहे हैं 25 साल से सभी पार्टियां ये कर रही हैं, कब से उन्होंने कांग्रेस को घेरा। नहीं, मैं बताता हूं, अभी तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा ठीक है, एके मिश्रा जी चलिए, अगर बीएसपी की बात छोड़ दें, एनडीए की बात छोड़ दें, एक बार यूपीए की भी बात कर लें। सर एक एक लॉजिक मुझे दे लेने दीजिए। देखिए ऐसा नहीं है, लॉजिक दीजिएगा, बहुत समझिए, आप बहुत देखिए, राम मंदिर के मुद्दे को सभी पार्टियां पॉलिटिकल इनकैश करती हैं, अगेन लॉजिक है। चलिए बीजेपी का घोषित एजेंडा है, मैं मान लेता हूं। कांग्रेस के लिए अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो ये क्यों बार कोई अड़ंगा लड़ाने सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं कि जी अभी सुनवाई डेली नहीं होनी चाहिए 2019 के बाद हो। यानी इनके लिए भी राम मंदिर इक्वली इंपॉर्टेंट है, उसको रोकना ही है। ठीक है, चलिए चलिए, एके मिश्रा अब जवाब सुनिए कांग्रेस का जवाब सुनिए। पवन शर्मा पहले आप मुझे ये बताइए, क्या कांग्रेसवादी है, उसके अंदर प्रतिवादी है आप जो कांग्रेस का नाम ले रहे हैं? पहले तो ये बताओ, जनता को क्लियर करिए। नहीं नहीं, इसके अंदर अगर इसका सियासी फायदा कुछ मिलेगा तो कांग्रेस को नहीं मिलेगा, प्रतिवादी की बात नहीं हो रही है, पक्षकार और प्रतिवादी की बात ही नहीं हो रही है। आप क्यों बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं भैया। कांग्रेस क्यों हलफनामा दे रही है, दिल्ली से पढ़ क्यों जा रहे हैं, आप क्यों मुद्दों को लेकर चिल्ला रहे हैं टीवी पे? अगर आपका ये मुद्दा ही नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हैं, आप इस डिबेट में सर क्यों बैठे हैं अगर आपका मुद्दा नहीं है? आप एके मिश्रा, आपका ये मुद्दा नहीं है सर, सुनिए, आप अभी डिक्लेयर करिए। एके मिश्रा, आवाज थोड़ी, ऐसे ही बैठ गए, आवाज के लिए सर इक्वली माइक लगा हुआ है, आप लोगों को माइक लगा है, आवाज सर आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, सुनिए। अरे आप लोगों आवाज पहुंचे, माइक लगा हुआ है, बड़ी बात तो ये इसमें आप लोग बहुत धीरे बोलिए, आवाज आपकी पहुंचेगी जनता तक। प्रतिवादी है इंपॉर्टेंट है, तभी वो महाराष्ट्र से अयोध्या चले गए शिवसेना। ठीक है छोड़िए, अच्छा छोड़िए, वो बात छोड़िए, बात करिए, आपका जवाब देखिए, पहली बात ये देखिए, बीएसपी सभी के साथ है, बीजेपी के साथ भी, और देखिए पवन जी का भी जवाब। आप बार बार बोल रहे हैं, नहीं नहीं देखिए, कई बात क्या है कि ये इतनी उत्तेजित होकर बात करने लग जाते हैं जिसमें आप ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के भावनाओं से जुड़ा मसला। मुझे बताइए कांग्रेस इसमें बात ही नहीं तो कांग्रेस क्यों कोर्ट में जाएगी? सर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कांग्रेस को छोड़िए, या डायरेक्ट इंडियन को। अच्छा ठीक है, कांग्रेस से एके मिश्रा, एके मिश्रा, अगर वो बोल रहे हैं नहीं तो मुझे ये बताओ, एके मिश्रा छोड़िए, बताइए सर सारे कांग्रेस वाले, मैं कांग्रेस ही नहीं सुन रहा है, एके मिश्रा, एके मिश्रा, मैं डिबेट खत्म कर दूंगा, मैं डिबेट खत्म कर दूंगा, अब बात तो सुनिए ना, पहले उनको अपना पक्ष रखने दो, सब कुछ तो हमारे पास ही है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप हो जाइए, अगर आप पवन शर्मा छोड़िए, पवन शर्मा, मैं बीजेपी, बीजेपी बैठा हूं, बीजेपी बात कर रहा हूं, नहीं बीजेपी, चलिए ठीक है, प्रदीप भटनागर जी, प्रदीप भटनागर जी चुभती है, पवन जी को चुभी ना मिश्रा जी ने बोला, सुनिए सर सुनिए, बता रहा हूँ, आपने जो विषय इतना लंबा जो आज आपने न्यायालय में ले गया, और जो आपने ये राम मंदिर का जो विषय छेड़ रखा है, ये हर बार हर चुनाव में आप लोग छेड़ते हैं। अरे भैया क्या बात कर रहे हैं, उठाने वाले आप हैं, पहले उठाते हैं, पहले उठाने वाले आप हैं, केस आप, मैं कह रहा हूं उठाने वाले आप हैं, लेकिन प्रदीप भटनागर, नहीं मिश्रा जी, एक मिनट मिश्रा जी, आप केस में आपका भी कोई लेना देना नहीं है, वहाँ निर्मोही अखाड़ा जाने, राम लल्ला जाने, और सनी वो बोर्ड जाने, पता नहीं क्यों आप लोग भी इनसे पूछ रहे हैं, बोर्ड क्यों जाने, सुन्नी वक्फ बोर्ड क्यों जाने, वही तो लड़ाई है पवन जी, प्रदीप भटनागर, सुन्नी वक्फ बोर्ड का तो कोई मतलब नहीं है, बीजेपी ये मसला उठाती है, बोर्ड का तो कोई मतलब पवन जी, आरोप ये लगता है कि बीजेपी ये मसला उठाती है, सारी पार्टियां इसी को बनाएंगी, आपके जबान पे आ गई ना पवन जी वही बात, सुन्नी वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है, किस लिए जाने, क्यों जाने, सुन्नी वक्फ बोर्ड का है क्या वहाँ पे? अरे अगर आपके आपके घर में कोई अज्ञानता नहीं, सुनो मेरी बात, कौशिक जी अगर वो पक्षकार है इस पूरे मामले में, प्रतिवादी कोई है तो वही तीन लोग हैं, बाकी सब लोग बाराती हैं, कांग्रेस बीजेपी बीएसपी सब बाराती हैं, बैंड बाजा के राम मंदिर बोला है, डांस करने के लिए है, सर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप बारात क्या डांस क्यों कर रहे हैं, भाजपा विराजमान, सबका हिडन एजेंडा है, सब लोग इंटरेस्टेड हैं, सब लोग अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, मिश्रा जी, ये आप कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, दावे के साथ नहीं कह सकते, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर देखो कांग्रेस ने क्या किया, राजनीतिक दलों को छोड़ दीजिए, अरे सर छोड़, हमारा अधिकार नहीं है, आप अपना विश्लेषण दीजिए, आप जो मौजूदा हालात है उसकी बात करिए, एके मिश्रा जी आप जनता की तरफ से नहीं बैठे, जनता की नुमाइंदगी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक है, आप
इस मौजूदा हालात को देख के बताइए कि क्या लग रहा है। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है, दावा नहीं कर सकते आप, दावा नहीं कर सकते। पर्दे पीछे क्या खेल खेल रही है बीजेपी, पर्दे पीछे कांग्रेस क्या खेल खेल रही है, ये चीज आप एक विश्लेषण कर सकते हैं यहाँ पर। आप दावा नहीं कर सकते कि वाकई ऐसा है, बीजेपी की बात नहीं, शिवसेना क्या वाकई नाराज नहीं हो सकती है। लॉजिक नंबर वन है सर, अभी सारे लोग बोल रहे थे कि वादी प्रतिवादी कौन है, मैं बोलता हूँ ठीक है लीगल वे में कौन है, मैं बोलता हूँ बात यहाँ से नहीं शुरू हुई, बात यहाँ शुरू हुई कि इसको मुद्दा ना बोला जाए, भावनाएं इससे जुड़ी हुई, लेकिन ये मुद्दा इसलिए बन जाता है, इसलिए मुद्दा इसलिए बन जाता है, वोट बैंक तो यही से होता है। एक मिनट में बात पूरी करने दीजिए, क्योंकि शिवसेना यहीं पर आती है, इसी धरती पर। अब बीएचपी कार्यकर्ता यहाँ पर, साधु संत यहाँ पर नाराज होते हैं, और इसी को लेकर तमाम सियासी पार्टियां बयानबाजियां करती हैं, खुद आपके नेता बयानबाजी करते हैं, तो मुद्दा क्यों ना कहें ये बताएं। प्रदीप भटनागर, नहीं नहीं मैं आता हूँ, आपसे सवाल ही नहीं है, प्रदीप भटनागर क्यों मुद्दा ना कहें फिर से? देखिए मुद्दे की बात ये है, हमारी आस्था है, हमारा मन है, इसे मुद्दा ना कहा जाए। ठीक है, इतने साधु संतों, जो लाखों करोड़ों साधु संत हिंदुस्तानी धरती पावन धरती पे हैं, उनको चुभती है चीजें। हम लोग यहाँ बैठे हैं, बड़े आसानी से कहते हैं कि राम मंदिर मुद्दा है, राम मंदिर मुद्दा नहीं है, राम मंदिर एक आस्था है जो एक बनना चाहिए और एक भव्य बनना चाहिए। सवाल यही है कि जी, मैं कहता हूँ क्यों बन रहा है ना, मैं कहता हूँ सवाल तो यही है कि आपका मुद्दा क्यों बन रहा है। अगर ये न्यायालय में नहीं चलता होता मुद्दा, तो ये आज की डेट में राम मंदिर बहुत भव्य बन चुका होता। क्यों? एक हिंदू एक ऐसा शांत स्वभाव बनाया है कि वो हर चीज बर्दाश्त कर लेता है, पड़ोसी की बदतमीजी हर चीज बर्दाश्त कर लेता है दूसरे लोगों की, इसलिए थोड़ा शांत रहता है। जिस दिन उग्र हो जाए हिंदू, दूसरी तरफ दूसरों की तरह हो जाए, तो देर नहीं लगनी मंदिर बनने में, पहली चीज। नहीं, आप इसे राजनीतिक 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 कहते हैं क्या? बीजेपी ने कभी अपने पीछे राम मंदिर का पीछे बहुत बड़ा पोस्टर लगा के राजनीति करी हो, कहीं वोट मांगा हो? चुनावी सभाओं में क्यों राम मंदिर की बात? राम मंदिर की बात ही क्यों होती है? हमेशा जी आप सवाल मुझे, मेरा सवाल मत छीनिए यार, मेरा सवाल मत छीनिए। देखिए ये चीजें आप ठीक है, आप खूब विषय को दीजिए भाई, बीजेपी में हर धर्म का आदमी है, ठीक है? आप ठीक है, कहते हैं आप बीजेपी समर्थन करती है, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है, अगर है तो है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, पहली चीज। ना बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं बोलने में, आपके साहस का धन्यवाद। नहीं सर, साहस की क्या बात है, प्रथम हिंदू हो, क्या दिक्कत है बोलने के लिए? अगर कोई पार्टी क्यों नहीं, हम बीजेपी हिंदुओं के लिए बोलती, बहुजन समाज पार्टी नहीं बोलती, सपा नहीं बोलती, कांग्रेस नहीं बोलती, क्यों नहीं बोलती? कांग्रेस ने हमेशा राजनीति इतनी गंदी करी है, आपत्ति नहीं हो रही है, आपत्ति नहीं हो रही है, पिछले करिए ना, हिंदुत्व पे आप राजनीति करिए, आप हिंदूवादी नेता बनिए, आप राजनीति करिए, हिंदुत्व की पता लगी, आपत्ति नहीं हो रही है, हिंदुओं की शक्ति पता लगी, राजनीति क्यों हो रही है ये बताइए ना। सबका साथ सबका विकास, आस्था से वोट बैंक को कैश क्यों किया जा रहा है? शिवसेना भाई, शिवसेना देश में सारे रहते हैं, सबका साथ सबका विकास तो है ही है। शिवसेना आके क्यों कह रही है, उद्धव ठाकरे क्यों कह रहे हैं यहाँ पर आके, अयोध्या की धरती पर आकर क्यों उन्होंने कहा ये कि कोई मेरा छिपा हुआ एजेंडा नहीं है, लेकिन बार बार जब चुनाव नजदीक आते हैं उस वक्त राम मंदिर का मुद्दा उठता है और फिर कह रहे हैं मेरा छिपा हुआ एजेंडा नहीं है। किसका छिपा हुआ एजेंडा है? आप एजेंडे, हम क्यों एजेंडा लाने लगे? हाँ, हमें तो राम मंदिर एजेंडा क्यों बनाएंगे, हम राम मंदिर को एजेंडा? हाँ, राम मंदिर भैया बनना है, वो तो आस्था है, उसमें काई की दिक्कत है? अगर एक सभा में खड़े कह रहे हैं, यही आप इसके आगे कुछ नहीं कह रहे हैं, एजेंडा बदनाम करने के लिए कांग्रेस यूज करती है। ठीक है अभितोष जी, ठीक है उमानंदन जी, आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व वीर सावरकर जी ने कहा था, जिस दिन हिंदू इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जो तथाकथित सेकुलरवादी लोग हैं, मैं तो कांग्रेस जैसे लोगों को कहूंगा, वो कोट के ऊपर से जनेऊ पहनेंगे, और वो दिख रहा है, वास्तव में दिख रहा है, राहुल बाबा कोट के ऊपर से जनेऊ पहन रहे हैं, और उसका मतलब क्या रहेगा? आप सब मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से धर्म को समझते हो कि जनेऊ को त्वचा से स्पर्श होना चाहिए, सबसे नीचे पहना जाता है, वो कोट के ऊपर वो दिखा रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन कान में जाके बोलते नहीं, हम मुसलमानों की पार्टी हैं, हम मुसलमानों की पार्टी हैं, कमलनाथ कह रहे हैं मेरा मुद्दा नहीं है, इसका प्रदीप जी जवाब देना चाहिए, लेकिन अगर 90% मुसलमान वोट डाल देगा। अच्छा उमानंदन जी, उमानंदन जी, क्या जनता से कुछ छिपा हुआ है ये बताइए ना, जो लोग क्या है कान में जाके मुसलमान मुझे वोट दें, आप 90% वोट डालो और इसका सूपड़ा साफ हो जाएगा, ये क्या बीजेपी की ओर से नहीं होता है? जो तोड़ की राजनीति नहीं होती है, दूसरी पार्टियों के लोगों को आप टिकट देकर यहाँ पर चुनाव लड़वाते हैं, ये नहीं होता है बीजेपी में? ठोक के कहते हैं हम हिंदू, बीजेपी में नहीं होता है, हिंदू के हित के लिए मरेंगे मारेंगे। आप विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बोलो, बीजेपी की तरफ से? मैं विश्व हिंदू परिषद, नहीं कोई बात, बीजेपी को आज सवाल बीएसपी दे रही है, पवन जी बीजेपी को सवाल आज बीएसपी दे रही है यहाँ पर। उमानंद जी मैं बताता हूँ, देखिए हमारा यही तो काम है, देखो आप, हम लोग जो है कांग्रेस
सर्वधर्म की पार्टी है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिज्म हो, सारे हो, हम उनको साथ में लेके चल रहे हैं। और किसी आप जहाँ कहीं पे भी जाना हो, अरे यार आप मिश्रा जी, आप मुझे तो लग रहा कि आप किसी पार्टी के प्रवक्ता बन जाओ, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषण की बजाय आप बीच में टोका टोकी करते हो ना। सर मैं सही बोल देता हूं, क्या चुप जाती है, बात वो नहीं है यार। चलिए बोलिए, पहले बात पूरी करने दीजिए ना, अच्छा एक बार बात पूरी करने, बीच में कोई बात तो आप सुनने को। चलिए चलिए बोलिए, पवन शर्मा, पवन शर्मा बात कीजिए सर। मैंने सबसे जब मैं उमानंद की बात जवाब देना चाहूँ, वो कह रहे कि मुसलमानों को बोल रहे कि 90%, अरे भैया जिस कम्युनिटी के अंदर कहीं पे जा रहे हैं, अगर वहाँ के लोगों को बोल रहे हैं भैया ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करिए, तो उसमें गलत क्या है? उमानंदन जी, उमानंदन जी आता हूँ, कहीं पे भी जाइए, अगर कहीं आप नुक्कड़ सभा कर रहे हैं किसी समाज के साथ बैठे, तो आप यही बोलेंगे ना भैया कि ज्यादा से ज्यादा, उन्होंने ये नहीं बोला मुसलमानों को कि मुसलमानों आप साफ मुसलमान कोई वर्ड नहीं किया है, वो चला देना साफ बोला। आप जितना कर सकते हैं, आप जितना कर सकते हैं अपना वोट करिए, 90% तक जाइए अपने मुद्दों के ऊपर। मुस्लिमों को ठगा, दलितों को ठगा, अरे भैया पिछड़े वर्ग को आप ठगा, आप लोग जो है 70 साल शासन कर रहे हैं, आप ही हाथ आप आज देश कहां ले आए हैं, आप उसकी बात करिए ना, साढ़े चार साल में आपने पूरे देश का बट्टा धार कर दिया, और आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ही बाहर नहीं, तो कांग्रेस के पद चिन्हों पे बीजेपी चलेगी क्या? प्रदीप भटनागर जी बताइए, बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी ना, बिल्कुल नहीं चलेगी, नहीं इन्होंने तो हमेशा गरीबों की छाती पे चढ़ के शासन करा है। जैसा कौशिक जी ने कहा कि कान में जाके कह देते हैं मुस्लिम है, तीन तलाक का मसला यहाँ पर लेकर आई सरकार ना, तो वो क्या मुस्लिम वोटर्स को नहीं लुभाएगी? नहीं बताइए, वो एक रिफॉर्म है, देखिए मैं इनके इनकी तरफ से बोल रहा हूँ, वो एक रिफॉर्म है, आप एक आप प्रदीप भटनागर रिफॉर्म है, वो रिफॉर्म हो गया, वो रिफॉर्म हो गया, वो रिफॉर्म हो गया, और कांग्रेस कुछ कर दे तो वो रिफॉर्म हो गया, ठीक है। बीजेपी का शुरू होता चाह रहा है, एक लड़की को गलती से पति पत्नी में बहस हो जाए, भगवान करे हर दिन चुनाव हो, यहाँ पे हर दिन रिफॉर्म होगा, चुनाव हो छोड़ो, झगड़ा हुआ पति पत्नी में सबके घर में होता है, होता होगा, उसमें तलाक 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 खत्म, वो लड़की अपने ससुर के साथ में सोती है, और आपके पास 100 ऐसे उदाहरण होंगे कि ससुर ने फिर मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, पहली बात, उसके बाद फिर उसका हवाला करो, उसकी तारीफ कौन कर रहा सर, मैं नहीं, तारीफ कौन तो कर रहा है, हलाला की गलत किया, बहु निकाल हलाला, अगर सरकार की मजम्मत होनी चाहिए यहाँ पर, इन सब का विरोध होना चाहिए, राजा राम मोहन राय लेके आए थे आप बाल विवाह का और सती प्रथा का अंत करने के लिए, वो भी एक रिफॉर्म था, वो भी एक रिफॉर्म था, कुरीतियों का नाश होना चाहिए, मिश्रा जी, मिश्रा जी, कांग्रेस बात पूरी कर देने फटाफट, ये गलत है, हमारे धर्म पर चोट है, ठीक है, छोटा छोटा रिएक्शन, समय बहुत कम है, ठीक है।